हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है सुमित राठी चलिए बात करते हैं दोस्तों आज के हमारे टॉपिक की आज का हमारा जो टॉपिक है क्लास नंबर सातवीं है हमारी दिस इज द सेवेंथ क्लास और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं दो चीज़ों के बारे में प्राइम मिनिस्टर और वी आर गोइंग तो टू डिस्कस अबाउट द चीफ मिनिस्टर ये दो चीज़ें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे सो लेट स्टार्ट गुड इवनिंग सभी को भाई जीना है सृजल संदीप आई एस सानू गुंजन रानी बेबी लर्न इंस्पायर ठीक है आप सबका स्वागत है तो चलिए बिना किसी देरी के दोस्तों करते हैं शुरुआत सबसे पहले यार ये अपना टेलीग्राम चैनल है जुड़ जाइए प्लीज़ ये अपना इंस्टाग्राम चैनल है दोनों का फॉलो कीजिएगा यहाँ पर कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है पिछली क्लास में बात हुई थी कि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है संसदीय सरकार को अपनाया है मैंने आपको बताया था जब संविधान हमारा बन रहा था तो डिबेट हुआ किस प्रकार की सरकार को अडॉप्ट करें कुछ लोग बोले अमेरिका वाली बड़ी है कुछ बोले यार भारत की जो अंग्रेजों की उनकी अच्छी है अमेरिका वाली अच्छी बता रहे थे कुछ कह रहे थे यार सुनो ना यार एक काम करो दो साल से अंग्रेज वाला सिस्टम हम देख तो रहे हैं कम से कम थोड़ा बहुत हमारे भेजे में घुसता तो है है ना तो कम से कम हम दूसरा अडॉप्ट करना चाह रहे हैं तो कम से कम उसको अडॉप्ट करें जो कम कम से कम हमने हमें पता तो है पार्लियामेंट संसद प्रणाली के बारे में क्योंकि हम देखते आ रहे हैं अंग्रेजों का तो इसलिए डिसाइड किया गया कि भारत में संसदीय प्रणाली हम लेंगे जो इंग्लैंड से ली गई है दोस्तों ब्रिटिश से ली गई है संसदीय प्रणाली की बात करें तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो रियल हेड होता है डिफेक्टिव हेड होता है अगर आप प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की तरफ जाते हैं दोस्तों तो यहां पर क्या होता है प्रेजिडेंट जो है वो रियल हेड होता है बट हमने क्या अडॉप्ट किया दोस्तों भी अडॉप्टेड दी पार्लियामेंट्री सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर में दोस्तों अगर हम बात करें तो हम यहां पर प्राइम मिनिस्टर को रियल हेड मानते हैं जो राष्ट्रपति है वो नॉमिनल हेड है। ये सेम स्ट्रक्चर जो है गवर्नमेंट का वो स्टेट में भी होता है स्टेट में जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है सेंटर में यूनियन में वैसे ही स्टेट में चीफ मिनिस्टर होता है यहां जैसे प्रेसिडेंट होता है यहां पर कौन होता है दोस्तों आपका गवर्नर होता है ठीक है यहां पर ये रियल हेड होते हैं बोथ आर रियल हेड एंड सिमिलरली यहां पर दीज आर नॉमिनल हेड और डी जूरी हेड इसको और डी जूरी ये दो वर्ड हैं जो मैंने बताया ठीक है अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं मैंने बताया था देखो हमने इतनी सारी पावर पड़ी राष्ट्रपति के पास कार्यकारी शक्ति वैधानिक शक्ति वित्तीय शक्ति ये शक्ति वो शक्ति बट वास्तव में कोई शक्ति है नहीं वास्तव में सारी शक्ति किसके पास होती है दोस्तों मंत्रिपरिषद ठीक है राष्ट्रपति के पास में खुद की कोई पावर नहीं होती ठीक है हमने ऐसा क्यों कहा आर्टिकल चौहत्तर और पचहत्तर क्या कहता है बिकॉज ऑफ दिस टू आर्टिकल हमने बताया था आर्टिकल चौहत्तर कहता है स्टेटस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दूसरा बताया था आर्टिकल पचहत्तर जिसमें मैंने था अपॉइंटमेंट टेन्योर एंड अदर ठीक है चीजें और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये दो चीज़ है आर्टिकल 73 कहता था कि भाई भारत के अंदर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसका काम होगा कि राष्ट्रपति के पास जो शक्ति है ना इनको एक्सरसाइज करने में मदद करे राष्ट्रपति को मदद करे कि इन पावर का कैसे इस्तेमाल करना है राष्ट्रपति बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के इन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है किसी भी केस के अंदर सिमिलरली इसमें होगा कौन कौन तो वो आर्टिकल पचहत्तर में बताया था आर्टिकल पचहत्तर कहता है कि भैया इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में प्रधानमंत्री सहित कुछ और मंत्री होंगे इन मंत्रियों की संख्या मैंने बताया था लोकसभा की कुल संख्या का पंद्रह परसेंट होगी और ये कब ऐड किया गया था नाइनटी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट दो हजार तीन के माध्यम से ठीक है तो यहां पर जो अपॉइंटमेंट होता है उसके बारे में बात की गई है तो राष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट सॉरी प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है आज देखेंगे बाकी के जो मिनिस्टर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है राष्ट्रपति के द्वारा बट ऑन दी एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ठीक है आगे बढ़े हम हमने आगे बात की स्टेट में भी ऐसा ही होता है स्टेट में भी भाई आपका एक क्या होता है गवर्नर के पास शक्तियां अब इसको अगर गवर्नर एक्सरसाइज करना चाहता है तो देर तो मिनिस्टर तो वहां पर भी क्या होनी चाहिए सीओ एम होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा सिमिलरली सिमिलरलीसौ पे आर्टिकल था सेवेंटी फोर सेवेंटी फाइव यहां आर्टिकल एक सौ तिरसठ और आर्टिकल नंबर एक सौ चौसठ बाकी सेम बात है आर्टिकल चौहत्तर क्या कहता है कि देर सेल जिसका हेड होगा प्राइम मिनिस्टर और उसके अंदर में बाकी के लोग होंगे काम होगा राष्ट्रपति को एड एंड एडवाइस करना राष्ट्रपति को सलाह देना दूसरा था आर्टिकल पचहत्तर जिसमें मैंने क्या बताया दोस्तों आर्टिकल पचहत्तर का काम था इसमें दो तीन बातें बताई गई थी पहला अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की नियुक्ति ठीक है इसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट था राष्ट्रपति दिलवाते हैं आपको पढ़ा दिया था मैंने कहा था इसके अंदर में दो लोग होते हैं मुख्य एक तो होता है पीएम और दूसरा क्या होता है दोस्तों सीओ एम ठीक है ये जो सीओ एम है इसमें कौन कौन लोग होंगे दोस्तों इट विल डिसाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इट सेल्फ प्राइम मिनिस्टर बोलेगा किसको बोलेगा दोस्तों प्रेसिडेंट को कि मुझे ये लोग चाहिए वो आपके कैबिनेट में आ जाएंगे दूसरी बात क्या होता है दोस्तों मैंने यहां पे बताया था आपको ठीक है ये कितना होता है मैंने बताया 15% परसेंट ऑफ लोकसभा और ये ऐड हुआ फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से दोस्तों ये आपको याद रखना है 2003 के अंदर दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस जब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर उसका एक इंटीग्रल भाग होता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है राष्ट्रपति लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है वो एक बड़ी प्रोसेस है मैं आपको बताऊंगा प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट कैसे होता है सेम स्टेट में चीफ मिनिस्टर है थोड़ा तेज चल रहा हूं इसका रीजन क्या है क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं दोस्तों में ठीक है दिस इज वट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड ये हम डिस्कस कर चुके हैं ठीक है यहां पर चीजों को हम देख चुके हैं यहां पर चीजों को हम पढ़ चुके हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर परिषद पहली बात करी हमने किसकी चीफ मिनिस्टर की और बाकी के अदर मेंबर तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो चीफ मिनिस्टर है दोस्तों चीफ मिनिस्टर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा राज्यपाल के द्वारा ठीक है अब राज्यपाल अपॉइंट करता है बट कैसे होता है वो आज पढ़ाऊंगा बाकी के जो मिनिस्टर्स हैं ठीक है ये बाकी के मिनिस्टर्स आते हैं स्टेट स्टेट के अंदर में और इनकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों इनका गवर्नर करता है लेकिन किसकी एडवाइस पे करता है ऑन द एडवाइस ऑफ दी सी चीफ मिनिस्टर ठीक है ये हमने पिछली बार बात की थी देर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये भी हमने बात की थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट और इसके अलावा और भी होता है एक थर्ड भी होता है जिसको हम बोलते हैं किचन कैबिनेट ठीक है क्या बोलते हैं किचन कैबिनेट Purpose क्या था इसका पर्पज ये था कि भैया देखो आपके पास में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सबसे पहले तो देखो आपके पास में लोकसभा है ठीक है है अब अब लोकसभा के अंदर टोटल मेंबर 552, बाउन. अब अगर मान लो कोई फैसला लेना है, तो आप पांच सौ बावन सदस्यों को तो एक साथ बुला नहीं सकते ना कोई पता नहीं कहां रहता होगा तो हुआ क्या कि भाई सरकार की अगर एफिशियंट फंक्शनिंग करनी है मैं अगर आपको बोलूं कि कोई भी कोई भी डिसीजन आपको पांच सौ आदमियों की सहमति से लेना है डिसीजन कभी बनेगा ही नहीं जिंदगी में पांच सौ आदमी कभी एक बात कर सकते हैं और 500 आदमियों को बुलाना इकट्ठा करना वो बहुत बड़ी प्रोसेस है इसीलिए गवर्नमेंट को अफिशियट चलाने के लिए यहाँ पे हुआ कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रखते हैं नहीं तो क्या हो सकता था कि भाई राष्ट्रपति जो शक्ति एक्सरसाइज करेगा वो लोकसभा की सहमति से करेगा लोकसभा की कभी सहमति बनती नहीं क्योंकि उसमें विपक्ष के नेता भी होते वो बनने ही नहीं देते है ना एक दूसरे पर ऐसी एलिगेशन लगते रहते और भारत की राजनीति का स्तर वर्तमान में आप लोग जानते ही हो तो ये चीज ना हो इसीलिए हमने कहा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितना दोस्तों मैंने बताया था फिफ्टीन ऑफ लोकसभा इसको और छोटा किया गया कि ये भी बहुत बड़ी संख्या है इसमें भी लगभग लगभग सत्तर से लेकर पचहत्तर तो से कितना लेते हैं दोस्तों पंद्रह से पच्चीस के आसपास यहां देते हैं भैया कैबिनेट मिनिस्टर ठीक है अब इसको भी और छोटा बनाएगा कह रहा है तो उसमें क्या आया दोस्तों आपका किचन कैबिनेट किचन कैबिनेट मतलब इसमें दो से तीन ही लोग होते हैं और ये महत्वपूर्ण लोग होते हैं इंदिरा गांधी के टाइम पे पहली बार एक इनर कोटरी किचन कैबिनेट जो है वो डेवलप हुआ था आज है आज भी है आप सोचो आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महत्वपूर्ण फैसलों के लिए किससे बात करते होंगे खुद दिमाग लगा के एक बार सोच लो अब संविधान के अंदर इसका जिक्र है संविधान के अंदर इसका भी जिक्र है लेकिन कैबिनेट का जिक्र नहीं था लेकिन हमने जब चौवालीसवा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आए ना तब हमने काम किया कि जो इमरजेंसी वाला प्रोविजन है आर्टिकल 352 उसके अंदर हमने कहा कि एक प्रावधान ऐड कर देते हैं यहाँ पे कर दिया हमने ऐड ठीक है उसके बाद सर किचन कैबिनेट नो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में इसका कोई भी नहीं है. आपको ये याद रखना है अभी मंत्री क्या होते हैं देखो दो प्रकार की एक चीज और समझना आप यहां मैं बताना चाहता हूं दो प्रकार के सदस्य बैठते हैं पार्लियामेंट में ठीक है एक तो होता है जिसको हम बोलते हैं एमपी और एक होता है मिनिस्टर दो अलग अलग बातें समझ रहे हो मेरी बात को मैं दो अलग अलग बातें बता रहा हूं एक होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं एमपी और दूसरा जो होता है ना उसको हम बोलते हैं मिनिस्टर अब फर्क क्या है देखो एमपी जो होता है ना फुल फॉर्म क्या बनती है सर एमपी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिस इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दैट मींस अ मेंबर हु बिलोंग्स फ्रॉम आइदर बिलोंग फ्रॉम लोकसभा और ही और शी बिलोंग्स फ्रॉम द राज्यसभा यही मतलब बनता है इसका सिमिलरली मिनिस्टर की अगर बात करें तो मिनिस्टर क्या होता है सर मिनिस्टर की बात करें तो मिनिस्टर क्या होता है दोस्तों जो एम तो है ही है एम है यस एम है यस लेकिन साथ साथ में वो क्या है दोस्तों उसके पास कुछ एडिशनल जिम्मेदारियां भी है।, है ना उसको एक मंत्रालय मिला हुआ है उसको एक मिनिस्ट्री मिली हुई है ठीक है मिनिस्ट्री है उसके पास मंत्रालय तो उसको कहते हैं हम मिनिस्टर ठीक है बेसिकली जो ये होता है मिनिस्टर ही इज आल्सो पार्ट ऑफ कॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भाग होता है नंबर 3 पर आता है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट मेंबर ऐसी चीजें हम यूज करते हैं प्राइवेट मेंबर प्राइवेट मेंबर बिल होता है ना जैसे उसको बोलते हैं निजी व्यक्ति अभी निजी व्यक्ति कौन होगा दोस्तों ये निजी व्यक्ति क्या ये एमपी होगा यस yes, होता है होता भाई एमपी होता है ठीक है एग्जांपल दूसरा क्या ये मिनिस्टर होगा नहीं होगा भैया ये मिनिस्टर नहीं हो सकता मिनिस्टर जो होते हैं क्या वो राज्यसभा से हो सकते हैं हां हो सकते हैं क्या वो लोकसभा से हो सकते हैं दोस्तों हां हो सकते हैं लेकिन ये जो होगा जो आपका प्राइवेट मेंबर होता है ये भी दोनों में से किसी से भी हो सकता है इधर फ्रॉम लोकसभा और राज्यसभा तो ये बातें आपको समझ में आ गई जो मैंने बताई यहां तक क्लियर है तो फटाफट से आप बताइएगा गुड इवनिंग भाई गुड इवनिंग यार यहां तक क्लियर है तो बताइएगा मुझे ठीक है संख्या कम मत किया करो यार यारोग्राफी ऑप्शनल हिंदी में पेड क्लासेस अभी यार थोड़ा सा रुक जाओ ठीक है गिव मी सम टाइम है ना गिव मी सम टाइम मैंने आपको एक टाइम दिया हुआ है दिवाली ठीक है बट स्टार्टिंग के अंदर एक साथ मैं चीजें नहीं ला सकता मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ डेफिनेटली आई ब्रिंग ऑल दीज थिंग्स जो भी आपको चाहिए बट यार मैं जल्दबाजी में क्वालिटी खराब नहीं करना चाहता देखो सबने कई लोग एक अलग हुए हैं एक बड़े स्टार्टअप से यूनिकॉर्न से जो अपने आप को इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म बताता था सब ने अपने अपने पेड़ कोर्स बना दिए सबको जल्दी थी पैसा कमाने की भाई मैं पैसा अच्छा खासा कमा रहा था मुझे सिर्फ पैसा नहीं चाहिए ऑब्वियस सी बात है बिना पैसे मेरा भी काम नहीं चलेगा घर नहीं चलेगा मेरा बट मुझे अच्छी और अफोर्डेबल एजुकेशन दोनों देना है मुझे बेवकूफ़ नहीं बनाना यार कि मैं पैसे ले रहा हूँ मैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बेच रहा हूँ आइकॉनिक के नाम पर मैंटरशिप दूंगा ये करूँगा फलाना दूंगा ये करूँगा और फिर मैं बच्चों को बेवकूफ़ बना रहा हूँ देखो वो काम नहीं होगा अब देखो चीज़ों में समय लगेगा पहले कंटेंट भी बनाना पड़ेगा मैं आपको कोर्स बना के नहीं कहूंगा कि यार ये मेरे पास खुद का कंटेंट होना चाहिए ताकि मैं बच्चों को बोल सकूं यार आप ये ये पढ़ो आप ये पढ़ो आप वहां से तो देखो पहले कंटेंट डेवलप होगा ठीक है उसके बाद में यार मैं सब काम कर पाऊंगा तो मैं थोड़े से मेरे को मैंने दिवाली तक का आपके लिए टाइम रखा है दिवाली के बाद आप यकीन मानिएगा दोस्तों आपको इस प्लेटफॉर्म के अलावा कहीं देखने की जरूरत नहीं है ऑप्शनल हम दो ऑप्शनल लेके आ रहे हैं दो ऑप्शन स्टार्ट करूंगा एक तो सोशोलॉजी और दूसरा ऑप्शनल होगा आपका जोग्राफी ठीक है एंड बेस्ट ऑप्शनल होंगे ये मैं अब थोड़ा सा लेकिन समय लो यार है ना थोड़ा सा समय लेते हैं लेट्स मेक आवर प्लेटफॉर्म फर्स्ट ठीक है थोड़ा भरोसा बना लेता हूँ मैं पहले आपके अंदर कि अब पहले जैसी चीज़ें नहीं होंगी अब चीज़ें अपनी हैं तो मैं चाहता हूँ देखो इसीलिए देखो कॉन्टेंट पर भी आप देख रहे हो मैं डिफरेंट तरीके से काम कर रहा हूँ पुरानी चीज़ें सब ब, सब बंद अब नए उसमें नए तरीके से काम होगा सारा इसीलिए देखो ये पीपीटीज में यार दोस्तों मतलब जान निकलती है मतलब बहुत मेहनत लगती है आपके लिए ये सब काम करना बट ये मैं बना रहा हूँ इसके बाद ई कॉपी बनाएंगे इनकी ठीक है ई बुक लेके आएंगे इनके ऊपर आपको ये कंटेंट देंगे हम ऐप बनवा के ऐप के ऊपर ये सारा कंटेंट अपलोड करेंगे ताकि आप इससे एक्सेस कर पाओ ठीक है तो थोड़ा थोड़ा ना ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है दीज आर द स्टेप्स ठीक है स्टेप्स हैं भाई वो तो थोड़ा समय लगेगा हिंदी वाले बच्चे जाहिर सी बात है वो नाराज होंगे बट होना नहीं चाहिए तो देखो हर एक चीज के बाद हिंदी है बट ठीक है मैं आपका कंसर्न समझता हूं सर हमें तो प्योर हिंदी में चाहिए तो प्योर हिंदी में चाहिए तो आप सपोर्ट तो करो मेरे को एक बार इस चैनल को थोड़ा सा ग्रो कर ले हम तीस पैंतीस हजार तक पहुंचा दे ताकि थोड़ा रिस्पेक्टेबल हो जाए फिर उसके बाद मैं हिंदी का एक सेपरेट ही चैनल लॉन्च कर दूंगा जिसमें प्योर हिंदी का काम होगा उसमें इंग्लिश जाएगी नहीं प्योर हिंदी शुद्ध विशुद्ध हिंदी जो है उसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे अब बात करते हैं दोस्तों जब हम मिनिस्टर मिनिस्टर कर रहे थे सर ये मिनिस्टर ये कितने प्रकार के मिनिस्टर होते हैं तो मैं आपको बता दूं दो, दोस्तों हमारे पास तीन प्रकार के मंत्री होते हैं सबसे पहला जो मंत्री होता है वो होता है कैबिनेट मिनिस्टर दूसरा जो मंत्री होता है वो होता है स्टेट मिनिस्टर और तीसरा मिनिस्टर होता है वो होता है डेप्यूटी मिनिस्टर मैं लॉन्च भी कर देता पता, पता है लेकिन जो पिछली कंपनी है ना उन्होंने बहुत ठीक है गद्दारी वाला काम किया है उन्होंने क्या सोचा उन्होंने सोचा कि ये अपना चैनल बनाएगा ये चल भी जाएगा फलाना डिमकाना उन्होंने मेरा टेलीग्राम चैनल ही बंद कर दिया उस पर स्ट्राइक मार दी गलत तरीके से ठीक है कि इसने हमारे टेलीग्राम हमारे प्लेटफॉर्म के लिंक डाले हैं अब ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है भैया मैं तुम्हारे यहाँ पढ़ाता तुम्हारे लिंक डालूंगा ना ठीक है उन्होंने पूरे टेलीग्राम पे स्ट्राइक मार दी अब मैं पुराने बच्चों के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ ठीक है उनको आधे से ज़्यादा बच्चों को तो पता ही नहीं वो उसी चैनल पे बेचारे भटक रहे हैं सोच रहे हैं कि सुमित सर पढ़ा ही नहीं रहे तो अभी एक बार रीच बना लेते हैं उन तक सबको जोड़ लेते हैं ठीक है इकट्ठे हो जाते हैं तब चीज करेंगे यार ठीक है ना ऐसा नहीं कि एक बार बस आप लोग दस लोग आ गए ठीक है मैंने बेचना शुरू कर दिया मेरा पर्पज़ नहीं है बेचना मैं सिंपल बता रहा हूँ सिर्फ बेचना होता सिर्फ पैसा कमाना होता तो मैं वहाँ कमा रहा था बट वो नहीं है एम दूसरा है यार ठीक है अच्छा काम करना है नियत साफ़ नियत से मुझे काम करना है इसीलिए दोस्तों पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ एक मैं बॉन्ड बना लूँ यहाँ पे एक आपको दिखा दें चीज़े कि चीज़ें अब किस प्रकार से अलग हैं पहले देखो कैसी चीज होती थी अब देखो अब किस चीज तरीके तो बस उसके आधार पर यार मैं आगे काम करूंगा ठीक है और इसमें ना यार बस मुझे साथ चाहिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो भटक रहे हैं अभी भी उनको पता ही नहीं कि हम क्लास ले रहे हैं कहीं पे तो मैं चाहता हूं बस आप लोग उन तक एक पहुंच बनाएं रीच बनाएं शेयर करें उनको बताएं जब हो जाएगा ना सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे देन हर एक चीज हमारी स्मूदली हम चलाएंगे ठीक है और मैं बता रहा हूं दोस्तों जो आज अपने आप में बहुत बड़ी कंपनियां बनती है ना उनसे दस गुना अच्छी चीज़ हम करके दिखाएंगे ठीक है कंटेंट में पैसे में नहीं कंटेंट अच्छे सेलेक्शंस अच्छी पढ़ाई वो करके दिखाएंगे पर देखो इतिहास गवाह है ये काम आपके सपोर्ट के बिना तो देखो नहीं हो सकता और मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है देखो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी कमी है मैं आपको बता दूं है ना कमी है थोड़ी उसमें बस मैं चाहता हूं आप सपोर्ट करो बाकी मेरे पे छोड़ दो मैं कर दूंगा सर अब देखो तीन प्रकार के मंत्री होते हैं पहले मंत्री को हम बोलते हैं कैबिनेट मंत्री दूसरा होता है स्टेट मिनिस्टर और तीसरा होता है डिप्यूटी मिनिस्टर हिंदी में क्या बोलते हैं सर कैबिनेट को कैबिनेट मंत्री बोलते हैं कैबिनेट समझते हो ना जो सबसे खास खास मंत्री होते हैं जो मैंने बताया था आर्टिकल तीन कैबिनेट वर्ड था नहीं कहीं पे भी बट आर्टिकल 352 के अंदर हमने ऐड किया कब फोर्टी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है अब मैं मजाक नहीं कर रहा भाई मैं सच बता रहा हूं ठीक है ये चीज़ें मैंने कभी याद नहीं की आर्टिकल मैंने कभी याद नहीं किए बट मेरे दिमाग में मैंने पॉलिटी पढ़े भी चार साल साढ़े चार साल पहले पॉलिटी पढ़ी थी अब ये सब मेरे को याद है क्योंकि मैंने अच्छे तरीके से चीज़ों को रीड किया है और यही मैं आपको सिखाना चाहता हूं जब आप कोर्स में आओगे ना ठीक है तो दस दिन के अंदर पूरी पॉलिटी एक साथ हर चीज़ तुम्हारे दिमाग में रहेगी अभी तो क्या थोड़ा टाइम लग जाता है क्लासेस के अंदर है ना क्योंकि दो लोग हैं यार सब चीज़ हमें करनी होती है

ठीक है ऐसा हो सकता है कि एक मंत्री है उसके पास दो तीन मंत्रालय एक साथ हो जैसे अरुण जेटली साहब जब थे स्टार्टिंग में वो फाइनेंस मिनिस्ट्री भी थे मिनिस्टर भी थे उनके पास लॉ मिनिस्ट्री भी उन्हीं के पास थी तो जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ना ये फर्स्ट रैंकिंग मिनिस्टर होते हैं सबसे महत्वपूर्ण सबसे हाई लेवल मिनिस्टर होते हैं इनके पास सामान्यतः एक पूरा मंत्रालय होता है एक मिनिस्ट्री होती है अब आप कहोगे सर हर सबके पास नहीं देखो क्योंकि मंत्रालय बहुत बड़ा है जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री अब फाइनेंस मिनिस्ट्री बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है यार फाइनेंस मिनिस्ट्री में आप देखोगे तो तीन तो अलग अलग डिपार्टमेंट है उसमें ठीक है होता क्या है एक मंत्रालय मंत्रालय के अंदर में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं अब फाइनेंस मिनिस्ट्री में कई सारे क्या है दोस्तों डिपार्टमेंट है अब क्योंकि वो डिपार्टमेंट है बड़ा मंत्रालय है इसीलिए क्या होता है दोस्तों उन डिपार्टमेंट्स को चलाने के लिए क्या होता है उन डिपार्टमेंट्स को चलाने के लिए आपके अलग अलग एक और मंत्री उसके साथ करते हैं तो कैबिनेट मंत्री के साथ में कई बार और मंत्री जोड़ दिए जाते हैं कि आप जैसे आप आप इनको चलाओ ठीक है आप इसमें सपोर्ट करो क्योंकि कैबिनेट मतलब मंत्रालय बड़ा होता है वर्कलोड ज्यादा होता है इसलिए कैबिनेट मंत्री के साथ एक और मंत्री ऐड कर दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं स्टेट मिनिस्टर अब स्टेट मिनिस्टर का काम क्या है दोस्तों स्टेट मिनिस्टर और डेप्यूटी मिनिस्टर जिसको मुख्यमंत्री कहते हैं राज्य मंत्री कहते हैं इनका काम यही होता है मुख्यतः कि आप कैबिनेट मंत्री को क्या करो सपोर्ट करो ठीक है बट कई बार क्या होता है कि जो स्टेट मिनिस्टर होते हैं ना वो भी काफी अच्छे होते हैं सक्षम होते हैं और पॉलिटिकल दबाव के अंदर क्योंकि अगर कोलिशन हुआ है या कोई पार्टी के अंदर में कोई नेता है जिसका दबदबा है तो उसको खुश करने के लिए कई बार स्टेट मिनिस्टर जो है राज्य मंत्री को भी स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है इंडिपेंडेंट चार्ज एक मंत्रालय का दे दिया जाता है परंतु सामान्यतः आपका राज्य मंत्री और जो डेप्यूटी मिनिस्टर है दोनों का काम क्या होता है कैबिनेट मिनिस्टर को सपोर्ट करना ठीक है ये कैबिनेट मिनिस्टर को सपोर्ट करने के लिए होते हैं बट सम टाइम इनके पास में क्या पावर होती है कि भैया आप एक काम करो ठीक है आप आपको इस इसको एक इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया जाता है तो सेकंड रैंकिंग में होता है ये कैबिनेट मंत्री को सपोर्ट करते हैं दोस्तों इनके पास कई बार इंडिपेंडेंट चार्जेस भी दे दिया जाता है कैबिनेट की जो बैठक होती है ये कैबिनेट मिनिस्टर है तो सारे कैबिनेट मंत्री जो है इसमें भाग लेते हैं हर कैबिनेट मिनिस्टर जब स्टेट मिनिस्टर की बात करते हैं तो स्टेट मिनिस्टर तभी भाग लेते हैं जब उनको बुलाया जाता है इन्विटेशन भेजा जाता है तो बिना इन्विटेशन ही नहीं जा सकते अब मान लो के चलो फाइनेंस मिनिस्ट्री का कोई मामला है तो जिस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर का मामला है तो उस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर को जो मंत्री सपोर्ट कर रहा है स्टेट मिनिस्टर उसको बुला लिया जाएगा है ना तो ये कैबिनेट मंत्री मीटिंग में भाग लेते हैं ये भाग नहीं लेते लेते कब है जब इनको इनविटेशन भेजा जाता है जब इनके मंत्रालय से संबंधित कोई काम होता है पर इनको तो दूर से ही भगा दिया जाता है ठीक है इनको भगा दिया जाता है कि भैया तुम्हारा कैबिनेट मीटिंग के अंदर में कोई रोल नहीं है तो आप ये बात ध्यान रखोगे फर्स्ट रैंकिंग मिनिस्टर सेकेंड रैंकिंग मिनिस्टर थर्ड रैंकिंग मिनिस्टर ठीक है चीज आपको लक्ष्मीकांत की जी की किताब में भी नहीं मिलेगी आप जाके ढूंढ लेना और कंफ्यूज होते रहते हैं कैबिनेट मंत्री क्या है स्टेट मिनिस्टर क्या है डेप्यूटी मिनिस्टर क्या है दिस इज इंपॉर्टेंट ठीक है चलिए आगे बढ़े अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों मैंने बताया था थोड़ी देर पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी अब ये जिम्मेदारी जो है ना संसद के अंदर पॉलिटी के अंदर में सरकार में जिम्मेदारी होती है तीन प्रकार की पहली जो जिम्मेदारी होती है ना उसको हम कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरी जो जिम्मेदारी होती है उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल रेस्पॉन्िटी और तीसरी जिम्मेदारी को बोलते हैं लीगल कितनी जिम्मेदारी हो गई सर तीन जिम्मेदारी पहली जिम्मेदारी क्या सर कलेक्टिव सामूहिक जिम्मेदारी मतलब समझे समझे इसका कि नहीं बताओ कलेक्टिव का मतलब है सब लोग एक साथ जुड़े हुए हैं एक साथ जुड़ के कोई काम कर रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं कलेक्टिव ठीक है तो आपको पता है दोस्तों आर्टिकल नंबर 75 जो है इट टॉक्स अबाउट दी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको हम मंत्री परिषद कहते हैं तथा प्रधानमंत्री दे दे विल विल सिंक टुगेदर टुगेदर स्विम डूबेंगे तो एक साथ और तो एक 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 साथ साथ और तैरेंगे ठीक है है इनकी ही यूनिट ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रह गए नहीं भाई अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जाएगा तो पूरा का पूरा अगर प्रधानमंत्री जाता है तो पूरा का पूरा काउंसिल का ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ता है ठीक है उल्टा नहीं होता कि मान के चलो कोई मंत्री है वो रिजाइन दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे जो है प्रधानमंत्री भी रिजाइन देगा बट यदि प्रधानमंत्री रिजाइन दे रहा है तो इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ेगा जो डिसीजन कैबिनेट का होता है ठीक है कैबिनेट का होता है जो डिसीजन जो डिसीजन प्रधानमंत्री का होता है उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मानना पड़ता है उसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है उसके साथ खड़े रहना पड़ता है मैंने पहले बताया था कल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मान लो कोई फैसला ले लें और जो उनकी सरकार के बाकी लोग हैं वो कहें कि नहीं हम तो नहीं मानते तो ऐसा नहीं हो सकता आप समझ रहे हो आपने फैसला लिया है तो आपको मानना ही पड़ेगा नहीं मान रहे आप रिजाइन दे दो ठीक है नहीं मान रहे क्या करो रिजाइन दे दो दैट कम्स इन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है अगर आप किसी बात से असहमत है हैं जैसे पहली जब सरकार बनी थी तो हमारे लॉ मिनिस्टर बने थे भीमराव अंबेडकर जी तो भीमराव अंबेडकर जो है वो कुछ बातों से सहमत नहीं थे लॉ मिनिस्टर बने थे तो कैबिनेट की कुछ बातों से वो सहमत नहीं थे तो उन्होंने क्या किया अपना इस्तीफा दे दिया वो होता है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिव मतलब एवरी वन विल सिंग स्विम टूगेदर और सिंग जो डिसीजन आ गया कैबिनेट का ईच एंड एवरी वन हैज टू इंप्लीमेंट दैट उनको वो मानना पड़ेगा सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है अगर प्रधानमंत्री देते हैं सबको देना पड़ेगा दूसरा अब इसको समझते हैं दोस्तों मैंने बताया व्यक्तिगत आप अगर कैबिनेट के किसी फैसले से खुश नहीं है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के किसी फैसले से खुश नहीं है तो आप विरोध नहीं कर सकते आप उसमें चुपचाप इस्तीफा दे दीजिए अपना या किसी मान के चलो मंत्रालय में ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री को लग रहा है कि यार वहां कोई त्रुटि हुई है मान लो किसी पे करप्शन का चार्ज आ जाए एलिगेशन आ जाए जा। तो प्रधानमंत्री एक्शन ले सकता है प्रधानमंत्री कहेगा वे तो अपने घर जा इंडिविजुअल रिस्पॉसिबिलिटी अब देखो हमारे यहाँ पे उड़ीसा के अंदर अभी बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हुआ ट्रेन टकराई थी तो जो रेलवे मिनिस्टर था उसने अपने आप इस्तीफा दे दिया उसको लगा कि दिस इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी माय इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी मेरी वजह से हुआ वो जिम्मेदारी लेके क्या कर देते रहे जाए तो भारत के केस में कलेक्टिव भी है और इंडिविजुअल भी है लीगल नहीं है लीगल कहां पर है दोस्तों लीगल होता है यूके के अंदर यूके में पता क्या होता है मान के चलो फाइनेंस मिनिस्ट्री कोई डिसीजन ले रहा है तो हर डिसीजन पे वहां की जो क्वीन क्वीन होती है ना पहले तो तो बात उसके सिग्नेचर होते हैं कोई भी फैसला बिना के लिया नहीं जाएगा अब मान लो कोई डिसीजन लिया क्वीन ने फाइनेंस मिनिस्ट्री संबंधित तो उसमें फाइनेंस मिनिस्टर के भी सिग्नेचर होंगे और अगर वो चीज गलत जाती है तो उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि वहां मानना ऐसा होता है कि भैया किंग जो है वो कुछ गलत नहीं कर सकता क्वीन कुछ गलत नहीं कर सकती पक्की बात है गलत नीचे लोगों ने किया होगा तो बस एक सेरिमोनियल चीज़ है ठीक है दिखावे के लिए एक चीज़ रखते हैं बट ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों ये भारत के केस में नहीं है तो अपने केस में क्या है सिर्फ कलेक्टिव और इंडिविजुअल रिस्पॉसिबिलिटी दीज आर टू काइंड ऑफ द वी हैव इन इंडिया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अब देखो दोस्तों जैसे मैंने बताया था भाई प्राइम मिनिस्टर के बारे में कि ऐसे ऐसे हैं अब प्रधानमंत्री के बारे में थोड़ा स्पेसिफिक आ जाते हैं हम है ना कि प्रधानमंत्री कैसे है कैसे चुनाव होता है प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर के बारे में अब समझिए भारत में मैंने बोला था यार इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो होगा ना भाई पार्लियामेंट्री सरकार है अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको पता है बस इसी का नाम है ठीक है प्रधानमंत्री जो है ये सर्वे सर्वा है यही रियल हेड है यही डिफेक्टिव हेड है बाकी राष्ट्रपति के पास में शक्तियां दिखती है बट है कुछ नहीं इनके पास उन शक्तियों का झुंझुना जुन है जिसको बस वो बजाते रहते हैं काम कुछ नहीं है दे विल एक्ट एज अ रबड़ स्टैंप रबड़ स्टैंप है उठाओ ठीक है जो डिसीजन आया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जो डिसीजन आया प्रधानमंत्री से बस उसको आपको अप्रूव करना है दैट इज द ओनली वर्क इनको करना बाकी इनको बताते रहना भाई पार्लियामेंट उसके अंदर राष्ट्रपति भवन में कि आज दाल चावल बना लो आज गोभी की सब्जी बना लो आज टिंडा बना लो है न ज्यादा कुछ काम होता नहीं है एक काम इनको और भी है बहुत इंपॉर्टेंट जो है इनका वो है ओथ शपथ दिलाने का ठीक है अब एक बच्चा कह रहा था सर ये ना हो तो इनके पास दूसरा काम भाई यही काम है बेचारों को एक काम है वो तो कर लेने दो ठीक है तो ओथ का जो है काम वो इन्हीं के पास होता है तो जो जनरली ओथ दिलाई जाती है दोस्तों बेसिकली ठीक है वो इन्हीं के द्वारा दिलाई जाती है यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट ठीक है समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप डन है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद तो ये हमने देख लिया सारा का सारा अब देखिए दोस्तों प्राइम मिनिस्टर कैसे इसका अपॉइंटमेंट होता है तो देखो सामान्यतः अगर हम बात करें प्रधानमंत्री तो अपॉइंटमेंट जो है नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा बट एक बड़ा सवाल उठता है कि भाई किसको करेगा राष्ट्रपति अपॉइंट तो करेगा बट किसको करेगा ठीक है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट तो करेगा बट किसको करेगा कोई तो होना चाहिए ना जिसको अपॉइंट करेगा अपॉइंटमेंट आप किसका करोगे अब मान के चलो राष्ट्रपति मेरे दादा हैं तो क्या मुझे बना देंगे प्रधानमंत्री भाई द्रौपदी मुर्मू का कोई खास है इनके परिवार में तो कहे चलो मैं राष्ट्रपति हूं मेरे हाथ में मैं तुम्हें प्रधानमंत्री बना ऐसा हो सकता है नहीं हां अपॉइंटमेंट ये करते हैं बट देर इज सर्टेन ऑब्लिगेशन इनके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन है किन चीजों से बंधी हुई हैं उन्हीं के तहत में ये अपॉइंटमेंट कर सकती हैं अब वो क्या है वो हम देखते हैं थोड़ा सा ठीक है सेम किसके केस में है दोस्तों देखो चीफ मिनिस्टर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मैंने बताया अपॉइंटमेंट कौन करता है दोस्तों प्रधानमंत्री का प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर का कौन करता है दोस्तों गवर्नर करता है लेकिन करेंगे किसको ठीक है हु किन की नियुक्ति की जाएगी कौन होगा जिनकी नियुक्ति ये करेंगे तो वहां पर आपको समझना है ये चीज जैसे मैंने बताया था कि भाई अपॉइंटमेंट जो है प्रधानमंत्री का वो कौन करता है दोस्तों हमारी जो है राष्ट्रपति करती हैं द्रौपदी मुर्मू जी करेंगी है ना बट किनका का करेंगी अपॉइंटमेंट उसके लिए देखो आपको जानना जरूरी है इनके अपॉइंटमेंट के लिए दोस्तों सबसे पहले आप ये समझो ये भारत की क्या है पुरानी पार्लियामेंट है समझ इस फोटो को देख के हम समझ जाते हैं इस पार्लियामेंट में दो सदन है पहला लोकसभा और दूसरा क्या है दोस्तों राज्यसभा है दोनों का चुनाव होता है इसका चुनाव डायरेक्ट होता है इसका चुनाव इनडायरेक्ट होता है ठीक है लोकसभा का चुनाव कैसे होता है दोस्तों आपका प्रत्यक्ष और इसका चुनाव जो होता है वो क्या कैसा, कैसा होता है अप्रत्यक्ष लोकसभा का जब हम चुनाव करते हैं इसमें वोटिंग होती है भाई जो भी इसमें जीतता है ना जो जीतता है दोस्तों जीतने वाला जो लीडर है भैया बस उसी को राष्ट्रपति जी क्या बना सकती है प्रधानमंत्री मेरी बात समझे या नहीं समझे लोकसभा प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं तो भैया यहाँ संसद के दो सदन एक का चुनाव प्रत्यक्ष दूसरा का अप्रत्यक्ष तो लोकसभा के चुनाव में राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं है राज्यसभा से नथिंग कुछ नहीं लेना देना हमें बात करनी है सिर्फ किसकी दोस्तों लोकसभा तो लोकसभा के जो चुनाव होंगे ठीक है प्रत्यक्ष चुनाव होंगे और इन प्रत्यक्ष चुनाव के अंदर जो भी जीतेगा ठीक है वही जीतने वाला व्यक्ति जो है उसी को प्रेजिडेंट क्या नियुक्त करेंगी प्राइम मिनिस्टर इज दिस थिंग इज क्लियर टू यू और नॉट भाई ये बात बता दो आप मेरी बात समझ में आगे कि नहीं आगे ठीक है और माँ कसम है सभी को कोई भी झूठ नहीं बोलेगा ठीक है ना माँ कसम है तुम सबको अगर किसी ने झूठ बोली तो कोई झूठ नहीं बोलेगा यहां तक बात समझ में आई अच्छा एक बार दोस्तों मैं चाहता हूं कि प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करें यार इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू गाइस प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करें जल्दी से तो मैंने बोला प्राइम मिनिस्टर ये बात समझ में आ गई भैया राज्यसभा लोकसभा के चुनाव होते हैं पार्लियामेंट में तो लोकसभा के चुनाव होते हैं डायरेक्ट हम लोग खुद वोट डालते हैं अभी चुनाव कब हुए थे लास्ट सर दो में हुए थे अब कब होंगे सर अभी दो में चुनाव होंगे पता है आपको ये बात दो में चुनाव होंगे हमें अब 2024 में आप जाओगे जो जो 18 साल से ऊपर के हैं वोट डालेंगे तो जो वोट आप डाल रहे हो वोट किसके लिए सीधा प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता कोई कि प्रधानमंत्री का चुनाव है ना भाई चुनाव होता है लोकसभा का और लोकसभा के चुनाव के अंदर में जो भी जीतता है ठीक है उसी को हम क्या अपॉइंट करते हैं दोस्तों उसको अपॉइंट करते हैं हम ठीक है तो ये आपको समझ आया प्रधानमंत्री मैंने बताया आपको कि लोकसभा के चुनाव में डायरेक्ट वोटिंग होगी जो भी जीतेगा अब देखो यहां पर भी केस इतना सिंपल नहीं है थोड़ा इसको भी भीट करके समझते हैं अभी प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर का केस है चीफ मिनिस्टर में क्या क्या होगा 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 सेम ही ऐसा ही ऐसा वहां पर दोस्तों लोकसभा की जगह क्या आ जाएगा विधानसभा मैंने तुम्हें बताया ना फॉर्मूला अब सीधा लोकसभा की जगह क्या टेक दो विधानसभा हो गया देख लो ये रहा ठीक है सेम है कुछ नहीं है मैंने यहां पढ़ाया था क्या आपको यहां पर बताया मैंने आपको कौन भाई यहां पे बताया मैंने आपको कि लोकसभा का चुनाव होता है जब मैंने इनिशियल पहली क्लास के अंदर में आपको एक फॉर्मूला समझाया था और फॉर्मूला में मैंने क्या बताया था वहां लोकसभा है लोकसभा को किससे रिप्लेस कर दो आप, आप लोकसभा को कर दो आप विधानसभा से तो आपने विधानसभा से कर दिया ये लो विधानसभा विधानसभा का भी चुनाव कैसे होता है सर इसका चुनाव डायरेक्ट होता है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष चुनाव मतलब आप लोग खुद जाके वोट डाल के आए हो दिस इज अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है दोस्तों इसके अंदर में आपने वोट नहीं डाला समवन एल्स कास्ट योर वोट ऑन योर बिहाफ आपके बिहाफ पे ना किसी और ने वोट डाल दी ठीक है और वो कौन होते हैं वो भी वैसे आप ही के द्वारा चुने हुए होते हैं वो लोग ठीक है वो भी मैंने आपको बता दिया कौन होते हैं कहां से होते हैं ठीक है दिस इज क्लियर टू यू अब आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं दोस्तों किसकी हम प्राइम मिनिस्टर की यानी कि प्रधानमंत्री की बात करते हैं हम ठीक है लेट्स टॉक अबाउट दी प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री की बात करते हैं भैया अब जो चुनाव था उसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अभी तक तो मैंने यही पढ़ाया था आपको कि लोकसभा का चुनाव होगा जो जीतेगा अब लोकसभा के चुनाव में भी क्या होता है कई प्रकार के टेंट्रम होते हैं कैसे टेंट्रम होते हैं सर अब लोकसभा के चुनाव में देखो अभी चुनाव से पहले जैसे आजकल आप देख रहे हो गठबंधन होने लग गया एक कोलिशन बन गया ठीक है जिसको हम नाम दे रहे हैं इंडिया है ना उन्होंने इंडिया नाम दिया है बट अभी बीजेपी वाले उस कोलिशन को उस गठबंधन को नाम दे रहे हैं इंडी आई एन डी आई इंडी इंडिया नहीं बोल रहे वो इंडी बोल रहे हैं और उसी के चक्कर में शायद हो सकता है जो भारत का नाम इंडिया था उसको चेंज करके वो भारत रखने की कोशिश कर रहे हो मतलब ये डिबेट उसी चीज के अराउंड आसपास हो सकता है बट खैर छोड़िए हमारे काम की बात नहीं है अब जब लोकसभा का चुनाव होता है दोस्तों तो क्या होता है कई पार्टियाँ तो इंडिविजुअल चुनाव लड़ती हैं इंडिविजुअल जैसे ठीक है बीजेपी अपना चुनाव लड़े ठीक है कांग्रेस अपना चुनाव लड़े और जिसकी जिसमें जितना दम है वो जीत जाए मान लो कल को बीजेपी को लगता है कि भैया मैं तो आप अकेला ही मैं बना लूंगा अब जब पिछली बार बीजेपी को अकेले 300 वोट मिली लोकसभा में मेजॉरिटी थी बीजेपी की एब्सोल्यूट तो अभी मान लो बीजेपी को लगे कॉन्फिडेंस होगी नहीं यार हम निकाल लेंगे तो वो अकेले जाके चुनाव लड़ेगी किसी भी पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाएगी दूसरा क्या केस होता है जब डाउट होता है कि यार नहीं कुछ भी हो सकता है तो वो दूसरी पार्टी के साथ में हाथ मिलाते हैं ठीक है जिसको हम कहते हैं गठबंधन कोलिशन इसमें क्या होगा बीजेपी क्या करेगी दोस्तों बीजेपी कुछ औ, और छोटी छोटी पार्टियों के साथ अन्य पार्टियों के साथ जो लाइक माइंडेड पार्टीज होती हैं उन पार्टीज के साथ हाथ मिला लेगी इससे बनता है गठबंधन इसको बोलते हैं गठबंधन अब एनडीए क्या है एनडीए की फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए ठीक है तो अगर आप देखोगे तो वर्तमान में ऐसा ही बोला जाता है सरकार अभी एनडीए की है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस मतलब बीजेपी और उसके साथ कुछ पार्टियां हैं तो इन्होंने अलायंस बनाई थी और इनके अलायंस का लीडर आज के टाइम पे कौन है अभी एनडीए का लीडर है कौन दोस्तों नरेंद्र मोदी इसलिए भारत के प्रधानमंत्री कौन है नरेंद्र मोदी अब ऐसे ही जैसे कांग्रेस ने अभी मिलकर बनाई है बाकी पार्टियों के साथ जिसका नाम रखा है क्या इंडिया ठीक है जिसका नाम क्या रखा है दोस्तों इंडिया अच्छा वो गलत स्पेलिंग आगे पीछे हो गया ये ठीक है ये इसको थोड़ा सा इंडिया रखा है उसका नाम अभी ठीक है ये गलत हो गया ठीक है माफी चाहूंगा इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे हम ठीक है ये आई थोड़ा सा पीछे कर लेंगे अब ऐसे ही दोस्तों कहाँ पे होता है ये तो हो गया ये अब देखो समझने की बात एक और है ये जो गठबंधन है ना ये गठबंधन भी दो प्रकार से होता है पहला गठबंधन जो होता है ना वो मतदान से पहले हो जाता है अब जैसे इलेक्शन होंगे है ना ये मत, मतदान के बारे में बात करनी है मुझे इस कॉल्यूशन के बारे में अब जैसे दो में अब चुनाव होने वाले हैं तो कुछ तो क्या होगा कि चुनाव होने से पहले ही बता देंगे भाई हम तो बीजेपी के साथ हैं कुछ कह देंगे भाई हम तो कांग्रेस के साथ अब जैसे इंडिया बना ये इंडिया गठबंधन जो बना है अब ये सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे जो जीतेगा अपनी अपनी सीट डिवाइड करेंगे जो जीतेगा उसका लीडर बन जाएगा ऐसे ही एनडीए भी चुनाव लड़ेगी अपना अपना अब गठबंधन दो प्रकार के पहला होता है प्री पोल चुनाव से पहले ही हो गया ठीक है अब जैसे मान लो एनडीए है चुनाव से पहले बना लिया इन्होंने भी बना लिया चुनाव से पहले एक होता है पोस्ट पोल प्री पोल क्या होता है चुनाव से पहले अगर इनको मेजोरिटी मिल गई इनको बहुमत मिल गया अभी मेजोरिटी का मतलब क्या देखो टोटल सीट है, कितनी? 512. अब एक को बहुमत में आना है तो कितना चाहिए ठीक है दो, चार, उसके बाद 15, दो सत्य चौदह बारह दो छह दो सौ छिहत्तर सीट मान लो मतलब जिसके पास लगभग दो सौ अस्सी सीट आ जाएगी आप के चलो दो सो सत्तर दो सौ पिछहत्तर मैंने एक एवरेज निकाला है इतनी सीट जिसके पास है उसके पास मेजोरिटी है उसके पास में बहुमत है और जिसके पास बहुमत होता है ना ज्यादा जिसके पास में एमपी होते हैं वही सरकार बनाता है आप मेरी बात समझे तो ये गठबंधन प्री पोल भी होता है और पोस्ट पोल अब प्री पोल कैसे मान लो कल को एनडीए चुनाव लड़ती है दो का और इनके पास में बहुमत नहीं आया इनके पास दो सीट आई लेकिन मान के चलो इनके पास आई कितनी दो लेकिन बहुमत के लिए चाहिए दो तो इनको कितनी सीट और चाहिए दोस्तों सौ पच्चीस अब ये पच्चीस सीट के लिए वो साठ गांठ करते हैं ठीक है चुनाव के बाद उसको बोलते हैं पोस्ट पोल अलायंस पोस्ट पोल कोलिशन चुनाव के बाद का सामान्यतः तो जो चुनाव के बाद का कोलिशन होता है ना दोस्तों उसके अंदर में फिर फायदा ज़्यादा होता है ठीक है क्योंकि इसको सरकार बनानी है जैसे वर्तमान में जस्टिन ट्रूडो का जो हाल हो रहा है जस्टिन ट्रूडो ने 2021 में जो री इलेक्शन हुए थे वो जीते बट मेजोरिटी मिली नहीं पच्चीस सीट और चाहिए थी अब उसके लिए उन्होंने किससे हाथ मिला लिया एनडीपी अब एनडीपी के जो लीडर हैं वो हैं कौन जगमीत सिंह और वो जगमीत सिंह जो है वो प्रो खालिस्तानी है अब इसीलिए कनाडा जो है वो प्रो खालिस्तानी बातें जो है टूडो वो सुन रहे हैं क्योंकि उनकी सीट जो है वो खतरे में गद्दी जो है उनकी खतरे में है तो उनको उनको जो लोग हैं जो उनके इसे फ्रिंज एलिमेंट उनको अपीज करने के लिए सब करना पड़ रहा है अगर बहुमत में आया तो कुछ नहीं एज ए यू पी ए टू सरकार थी जिसमें कई सारे घोटाले बोले गए कोल स्कैम ठीक है ये स्कैम वो स्कैम आए थे ना बहुत सारे स्कैम टू जीम टू जी स्कैम ठीक है वो सब क्यों हुए थे क्योंकि क्या है गठबंधन की सरकार जो होती है ना उसके मतलब चारों पाए ऐसे ही होते हैं अस्थिर होते हैं तो ऐसी अवस्था में प्रॉब्लम होती है सरकार को बनाए रखने के लिए सरकार को क्या करना पड़ता है छोटी छोटी पार्टियों को वो देना पड़ता है प्रायोरिटी देनी पड़ती है और वहां पे कई बार मामला बिगड़ जाता है ठीक है क्योंकि अगर आप उनकी बात नहीं सुनोगे तो सपोर्ट खींच लेंगे सरकार गिर जाएगी तो आपको समझना है दोस्तों प्री पोल और पोस्ट पोल अलायंस होती है और सामान्यता जो प्री पोल हो वही बेटर है पोस्ट पोल के अंदर में अगर करना पड़ता है तो उसको बोलते हैं जोड़ तोड़ की सरकार और पोस्ट पोल अलायंस के अंदर में जो भी सरकार बनती है दैट दैट इज नॉट मच स्टेबल उसमें करप्शन भी क्या होते हैं आपके ज्यादा होते हैं दुनिया में कहीं पे भी देख लेना आप अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों चीफ मिनिस्टर में भी सेम ऐसा ही होगा देखो मैंने बताया था अपॉइंटमेंट कौन करेगा भाई चीफ मिनिस्टर का गवर्नर करेगा ठीक है लेकिन कैसे करेगा इसके लिए चुनाव होगा विधानसभा का चुनाव होगा इंडिविजुअल पार्टी और कोलिशन आपस में चुनाव लड़ेंगे जैसे मैंने यहाँ एक और स्टेट पार्टी दिखा दी जैसे बी ठीक है बी एस पी इसलिए दिखाई अभी दानिश अली जो है उनको कुछ कुछ कह दिया है उनको टेररिस्ट कह दिया था अभी रमेश बिधोड़ी ने तो ये पार्टी से लिए मैंने लिया कोलिशन की बात करें तो गठबंधन हो जाता है ऐसे अलग अलग पार्टियां आपस में मिल जाती हैं जैसे यूजुअली स्टेट के अंदर देखोगे तो हो सकता है कांग्रेस और ये हाथ मिला लेगी बीजेपी को हराना है कोलिशन दो प्रकार का प्री पोल और पोस्ट पोल है ना बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे इंडिया है वो गलती से ना ये एलिमेंट आगे पीछे हो गया ठीक है अब समझते हैं सर कौन बन सकता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एलिजिबिलिटी क्या है कितना पढ़ा होना चाहिए देखो संविधान में पढ़े लिखे की तो कोई कंडी ऐसा कुछ दिया नहीं कि आपका प्रधानमंत्री इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए और ऐसा ठीक है एक बार बोल दिया था ना किसी ने कि अगली बार वोट देना ऐसे व्यक्ति को जो पढ़ा लिखा हो अब एक आदमी ने ऐसा बोल दिया अब उसके ऊपर समझो ऐसी कंपनी थी उन्होंने आदमी को उसकी जॉब से निकाल दिया जब हम उस कंपनी में थे तो हमें ऐसी किसी भी स्कीम को पढ़ाना अलाउड नहीं था जिसमें सरकार का क्रिटिसिज्म हो चाहे वो कंस्ट्रक्टिवली क्यों ना हो वी लिव्स इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिज्म जो है देखो वो क्या है सरकार को अकाउंटेबल रखता है ठीक है अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है भैया मैं अगर गलत काम कर रहा हूँ कोई चीज़ ऐसा कर रहा हूँ अगर आप लोग मुझे बोलते हो ये सर गलत है ठीक है तो दो चीज़ें या तो मैं उससे गुस्सा हो जाऊँ मैं नाराज हो जाऊँ मैं आपके ऊपर भड़क जाऊं या दूसरा मैं समझू यार ये गलत हो रहा है तो इसको मैं ठीक करूं स्कोप तो डेमोक्रेसी में हमेशा ऐसा होता है लेकिन भैया वो जो कंपनी है उनका मानना था कि नहीं ये नहीं करना ठीक है आप कुछ बोल दोगे तो नौकरी खा जाते थे सोचो क्या हाल होता था ठीक है तो भारत के अंदर में जो प्रधानमंत्री है एज सच कोई क्वालिफिकेशन एजुकेशनल तो नहीं है ना उम्र उम्र का कुछ बोला गया इतनी उम्र होनी चाहिए मैक्सिमम कुछ नहीं बताया गया कुछ बातें हैं पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए सिंपल सी बात है ये तो होगी होगी और क्या पाकिस्तान के आदमी को थोड़ी ना हम भारत का प्रधानमंत्री बना देंगे अब इंडियन सिटीजनशिप जो है वो एक अलग चैप्टर है सिटीजन कैसे बन सकता है वो पांच अलग अलग प्रकार के तरीके हैं दैट वी विल डिस्कस इन द सिटीजनशिप चैप्टर दूसरा है प्रधानमंत्री में मैंने बताया पहला तो सिटीजन ऑफ इंडिया सेकंड क्या है दोस्तों ही शुड बी द मेंबर ऑफ इधर राज्यसभा एंड लोकसभा या तो वो राज्यसभा का, का मेंबर बनने के योग्य हो या वो लोकसभा का मेंबर बनने के योग्य हो दोनों में से एक अब अगर वो लोकसभा का मेंबर होगा तो मिनिमम एज शुड भी ट्वेंटी और अगर राज्यसभा का होगा तो मिनिमम एज शुड भी थर्टी यही होना चाहिए तो पहला भारत का नागरिक हो दूसरा लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य है तीसरा मान के चलो कोई व्यक्ति है ना तो वो राज्यसभा का मेंबर ना वो लोकसभा का मेंबर अब ऐसे केस में क्या तो क्या ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकते हैं जो ना राज्यसभा का मेंबर है ना लोकसभा का हम बना सकते हैं ठीक है ऐसे व्यक्ति को भी बना सकते हैं बट इनिशियली उस व्यक्ति को आप सिर्फ और सिर्फ छह महीने के लिए बनाओगे छह महीने के अंदर आपको उस व्यक्ति को या तो राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा या लोकसभा का ऐसा इंसिडेंट हुआ हुआ भी था कब हुआ था कब दोस्तों जब राजीव गांधी जी को कब प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था देखो ये बात है दोस्तों जब इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो गया था इनकी हत्या कर दी गई थी तो पार्टी के अंदर में किसी ने सोचा नहीं था कि इंदिरा गांधी जी का इस प्रकार से दुखद देहांत हो जाएगा पार्टी के में इनका कोई लीडर था ही नहीं जैसे आज हम देखें अगर आज हम बीजेपी में देखें कि यार अगर मोदी जी ना हो तो कौन हो अभी तो मोदी जी रहने वाले हैं दो योजना और कम से कम मतलब 2024 और उसके बाद में आप मान के चलो 2024 के बाद में पांच साल दो इसमें प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बदलने वाला नहीं है ठीक <laughs> है किसी की हिम्मत भी नहीं है सोचने की बट बीच में अगर कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेट हो जाता है तो अभी बीजेपी में वो जो लाइन ऑफ सक्सेशन है वो डिसाइडेड नहीं होता किसको बनाएंगे भाई है ना किसको बनाएंगे कल को हो सकता है भाई जेपी नड्डा को बना दिया जाए बट जेपी नड्डा तो हो सकता है उस टाइम पे ना लोकसभा का मेंबर हूं राज्यसभा का तब क्या करेंगे तो ऐसी अवस्था ही हुई थी कब दोस्तों जब इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था इंदिरा गांधी का जब असैसनेशन हुआ था तो उस टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जेल सिंह ये प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जेल सिंह तो ज्ञानी जेल सिंह ने कहा कि यार एक काम करते हैं उस टाइम समय जो है राजीव गांधी जो है एयरपोर्ट एयरपोर्ट के एर्पोर्ट कह रहा हूं, ए, ये में पायलट थे तो इन्होंने कहा कि यार ऐसा ऐसा हो गया दुखद घटना तो एक काम करो आप आ जाओ हम आपको क्या बना रहे हैं भारत का प्रधानमंत्री बना रहे हैं उस समय ये मेंबर नहीं थे तो क्या सिटीजनशिप थे थे इनके पास नागरिकता थी क्या ये लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर बनने के योग्य थे हाथ थे क्योंकि 25 और 35 तीस दो

आप उसको अपॉइंट कर दो और उनको कह दो भैया छः महीने का टाइम है आपको विद इन सिक्स मंथ आपको या तो लोकसभा का सदस्य बनना पड़ेगा या राज्यसभा का यूजुअली फिर पार्टी उसको राज्यसभा से नॉमिनेट कर देती है क्योंकि राज्यसभा के चुनाव अप्रत्यक्ष होते हैं अरुण जेटली जब पहली बार चुनाव लड़ा उन्होंने ठीक है तो उन्होंने चुनाव लड़ा उनके विपक्ष में थे कौन नवजोत सिंह सिद्धू अरुण जेटली हार गए थे सिद्धू जीत गए थे लेकिन उनको लॉ मिनिस्टर बनाया गया फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया कैसे क्योंकि वो तो हार गए थे कोई बात नहीं उनको राज्यसभा से अपॉइंट कर दिया छः महीने के लिए आप किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकते हो चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो बाकी कोई मंत्री हो कितने दिन के लिए सिक्स मंथ बट इन सिक्स मंथ ही हैज टू टेक मेंबरशिप ऑफ ईदर हाउसेस चाहे उसके लिए चुनाव जीतो चाहे उसके लिए नॉमिनेशन कराओ कुछ भी करो चाहे राष्ट्रपति से नॉमिनेट राष्ट्रपति के भी तो हाथ में होते हैं बारह व्यक्ति करवा देंगे उन्हीं से और कुछ नहीं तो राष्ट्रपति से कह देंगे भाई बारह व्यक्ति करने लें आपको कर दो फटाफट से ठीक है एक व्यक्ति को कर दो इसमें से राष्ट्रपति तो वही काम करेगा ना जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेगी तो हाँ पॉसिबल है अब यही मामला चला गया जो इनका अपॉइंटमेंट हुआ था ज्ञानी जेल सिंह ने इनको किया था मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया कि यार ऐसे कैसे राजीव गांधी को बना दिया फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन्नीस सौ में अपनी जजमेंट दी नाइनटीन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इफ अ पर्सन हु प्रेजेंटली इज नॉट अ मेंबर ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा देन इन दैट केस वी कैन अपॉइंट दैट पर्सन एज अ प्राइम मिनिस्टर बट ज टू अटेन द मेंबरशिप विद इन सिक्स मंथ तो ये जो बात मैं बता रहा हूँ ना सेम यह जजमेंट उन्नीस सौ सत्तावन के अंदर, 1997 में, में के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने दी एक जजमेंट और है, प्रधानमंत्री ऐसा था सर जब किसी व्यक्ति को आप प्रधानमंत्री नियुक्त करता है राष्ट्रपति तो प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए उनके पास सपोर्ट होनी चाहिए एटलीस्ट दो सौ पचहत्तर एमपी का सपोर्ट होना चाहिए ठीक है अब मान लो ज्ञानी जेल सिंह है वो अपॉइंट कर रहे हैं किसको राजीव गांधी को लेकिन हो सकता है पार्टी में कई लोग गर्दन उठाए कहीं नहीं नहीं भैया ऐसे इनको क्यों कर रहे हो हम होना चाहिए है ना तो इनके पास हो सकता है उस टाइम पे बहुमत ना हो लेकिन ज्ञानी जेल सिंह ने इनको पहले अपॉइंट कर दिया ठीक है कि आप अपॉइंट हो गए हो अब इनको समय दिया गया छह महीने का छह महीने के अंदर में आपको अपना फ्लोर टेस्ट करना है छह महीने का नहीं मतलब अपॉइंटमेंट होने के बाद एक बार आप राष्ट्र प्रधानमंत्री बन जाओ उसके होने के बाद अपनी मेजॉरिटी आप रख सकते हो कि आपके पास बहुमत है संसद के अंदर तो यह जजमेंट आई कब दोस्तों आपका हाई कोर्ट ने दी नाइनटीन में कहने का मतलब इसका यह है कि जब आप प्रधानमंत्री बनते हो तो पहले ही नहीं दिखाना कि देखो मेरे पास दो सौ का सपोर्ट है पहले आप बन जाओ प्रधानमंत्री उसके बाद में आप ये दिखा देना फ्लोर टेस्ट बाद में करवा लेना इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले आप प्रधानमंत्री बन जाओ छह महीने आपके पास रहेगा समय और छह महीने में किसी एक सदन की सदस्यता ले लेना सेम डिट्टो ऐसा ही किस में होता है दोस्तों मुख्यमंत्री केस में क्योंकि सिस्टम सेम है ना तो वहां पर भी सेम चीजें जो है वो आपको देखने को मिलती है यहां तक बताइए दोस्तों किसी बच्चे कोई दिक्कत है कोई डाउट है कोई समस्या है तो बताओ बिकॉज चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे समाप्त हो चुके हैं ठीक है यूनियन में सिर्फ एक चीज बची है is, आपका जनरल ठीक है एक आर्टिकल दोस्तों बार -बार मैं, दोस्तो, पूरा -पूरा मैं इसीलिए करा रहा हूं ताकि आप पॉलिटी को खुद से पढ़ पाओ एम लक्ष्मीकांत जो है वो आप खुद से पढ़ पाओ अब मेरी तरफ से आप पूरा एग्जीक्यूटिव पढ़ सकते हो यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव ठीक है आप देखना राज्य सरकार और केंद्र सरकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में जो ये जो चैप्टर हैं पहला प्रधानमंत्री सॉरी पहला राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद राज्य का और मंत्रिपरिषद केंद्र का दोनों ये सात या आठ चैप्टर बनते हैं आप मेरी तरफ से अपनी आपसे पढ़ सकते हो इसको ठीक है ये पढ़ सकते हो अटॉर्नी जनरल में कुछ है नहीं एक ही आर्टिकल है बट उसको भी डिस्कस कर देंगे क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है विल डिस्कस इट लेटर उसको आग, बाद में देख लेंगे पहले बड़े टॉपिक जो है मेजर चंग कवर करेंगे बार बार मैं बोल रहा हूँ दोस्तों ठीक है ये इसीलिए काम हो रहा है ताकि मैं आपको समझा सकूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये करके तुम यूपीएससी निकाल लोगे अब वैसे देख लो आप मैं तो खुला कह रहा हूँ कंपेयर कर लो बाकी लोग भी इतना पढ़ा रहे हैं आपको नहीं पढ़ा रहे बट स्टिल मैं कह रहा हूँ सारी बात मेरी नहीं माननी है भैया ये कोई फुल फ्लेज पेड कोर्स नहीं है जहां मैं आपको कह दूं कि इससे बाहर पेड कोर्स में ऑब्वियस ऑब्बियसली बात है इससे ज़्यादा काम होगा ठीक है इसमें तो सिर्फ पीपीटी पी टी ए पी है समझाने के लिए वहां चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी हैंड आउट्स मिलेंगे नोट्स मिलेंगे दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टूगेदर बट यहां पर आपको ध्यान रखना है अब आप मेरी तरफ से एम लक्ष्मीकांत के मैं झूठा दिलासा नहीं देना चाहता मैं कह दूं यही से हो जाएगा नहीं भाई पढ़ना अभी भी है आपको ठीक है तो जो पढ़ना चाह रहे हैं बच्चे वो लक्ष्मीकांत जी में से ये आठ लक्ष्मीकांत जी की किताब से आठ से नौ चैप्टर हैं आप जाओ और ख़त्म कर दो हो जाएगा ठीक है भाई सर एक बार फिर से बताओ सर एक बार क्या बताऊं फिर से ठीक है बेबी थोड़ा सा बेबी इलियास ये पहले तो नाम बदल लो ये नाम पहला वर्ड बोलने में फिर ऐसा लगता है बड़ा अजीब सा लगता है बोलने में यार ठीक है इलियास आप ये देखो थोड़ा सा वीडियो पीछे कर लेना ठीक है कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में आपको ना आए हल्का सा पीछे करके देख लेना चलिए यहाँ तक हो गया ठीक है ये मेरा यार टेलीग्राम चैनल है आपसे बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ फॉलो दिस और ये हमारा जो है वो है इंस्टाग्राम चैनल आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फॉलो दिस एज वेल दोनों पे यार जुड़ जाओ और यार प्लीज़ सबको बताओ यार जाके ठीक है आधे ज़्यादा बच्चों को अभी पता ही नहीं है कि हम कहाँ पढ़ा रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं और कैसे पढ़ा रहे हैं तो प्लीज़ जाइए दोस्तों और सभी को बोलिए सभी को कहिए कि हम कहाँ पे और किस प्रकार से क्लास कर रहे हैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का लेक्चर आपको पसंद आया आपकी नॉलेज में मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ ठीक है जो बच्चे ऑलरेडी कहीं और से पॉलिटी पढ़ते हैं मैं तो उनसे भी कहूँगा कि आप उनको कहें कि एक बार जाके आप यहाँ से ज़रूर पढ़ें ठीक है उनका जो जो होता है ना जो मानसिकता है वो बदलने का यहाँ से काम हम करना चाहते हैं तो आप प्लीज इसमें मेरे साथ दीजिएगा ठीक है नॉन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन दोस्तों थैंक यू वेरी मच उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और एक छोटी सी बात जो मैं हर बार आपसे कहता हूं कॉमेंट वीडियो में समाप्त कर रहा हूं हार्डली आपको तीस सेकेंड लगेगी और कुछ नहीं तो आप बस इतना लिख देना सर ओके okay की रिपोर्ट है नाइस nice लिख देना ठीक है या किसी का कुछ सजेशन है सुझाव है कुछ बड़ा लिखना चाहते हैं तो प्लीज ठीक है इट्स माय अंबल रिक्वेस्ट आपको ये करना है रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों अगर आपको लगता है कि आई एम कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स यूर डेवलपमेंट तो प्लीज़ यार अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं और मुझे ये काम कंटिन्यू करते रहना चाहिए तो मुझे आपकी मोटिवेशन की आवश्यकता है। तो प्लीज एक अच्छा सा कॉमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा थैंक यू वेरी मच टेक केयर